गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर इज अल्फाबेट। क्लास फर्स्ट आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट्स तो सभी ने आपने नर्सरी के जी सबने सीखा ही होगा, लेकिन यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर फिर से अल्फाबेट स्टार्ट है। तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे कि हमें हमको पता है कि हमारे अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26। ठीक है, दे कैन बी रिटन बोथ इन कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। और ये दोनों ही किस पे लिखे जाते हैं, कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स। दे आर ऑलवेज इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। और ये इनका एक फिक्स्ड ऑर्डर मतलब ए से स्टार्ट हो, ए से ही स्टार्ट होगा, आप ये नहीं कभी से स्टार्ट होगा, तो इसलिए इनका एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले हमारा अल्फाबेट्स में क्या आता है, ए फॉर एप्पल। कैपिटल लेटर में ऐसे लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में इंग्लिश ए ऐसे लिखी जाती है। फिर वही चीज है आपका बी में, बी कैपिटल लेटर में ऐसे लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में ऐसे लिखा जाता है। ऐसे ही लिखा आपका सी भी है, डी भी है, बाकी सारे अल्फाबेट्स जो हमारे 26 होते हैं लेटर्स वो सब देखिए इसमें देखिए। ठीक है, इस तरह से आपको तो रिमाइंड भी हो जाएगा। हम यहाँ पर आते हैं, हमारे जेड पे आप आते हो, जेड में आप देखिए पेंसिल करिए, देखिए ज़्यादा सेम नहीं लगता है, बट कैपिटल में प्लस जेड क्या होता है, कैपिटल में होता है और स्मॉल लेटर में थोड़ा सा स्मॉल लेटर होता है। तो इसमें आप ये अल्फाबेट्स में स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर लिखना है। वेन द लेटर्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट एज ए बी सी टी और ए बी सी टी इट इज कॉल्ड अल्फाबेटिकली ऑर्डर। जब हम कैपिटल लेटर में ए सी लिखते हैं या फिर स्मॉल लेटर में ए सी लिखते हैं तो उसको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर कहते हैं। मतलब देखिए जब आप ए बी सी डी लिखते हैं तो आपने ए से स्टार्ट किया, जेड में फिनिश किया, कैपिटल लेटर में उसी तरह स्मॉल लेटर में ए से स्टार्ट किया और किसी फिनिश किया, जेड में फिनिश किया। तो जेड से लेकर जेड तक जो स्टार्ट होती है ए बी सी डी और सिस्टमेटिकली चलती है उसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अब बेटा अल्फाबेट्स के लेटर्स में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके अल्फाबेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये आपके दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं, फर्स्ट इज वोवेल्स एंड सेकंड इज कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स हमारे कितने होते हैं, पांच, ए ई आई ओ यू, यानी कि कितने, इसको आप अपने फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इससे आपको ज्यादा बेटर रहेगा, लर्न करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, वोवेल्स को हिंदी में हम स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स को हम बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, ये हमारे फाइव कॉन्सोनेंट्स कितने बचे हमारे, हमारे बचे 21। चलिए काउंट एक बार कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, तो 5 ऑवर्स हो गया, 21 हो गया आपके कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, फिर हम आते हैं आपके एक्सरसाइजेस में, जो आपके इस चैप्टर में तो बहुत सारी बट हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को फिल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी रिलेटेड है आपकी राइट द मिसिंग लेटर्स। मिसिंग लेटर्स अगर आपने देखा होगा ध्यान से देख बेटा, सब में कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया जा रहा है ना, तो कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया जा रहा है, तो मीन्स हमको भी कैपिटल लेटर ही मैंशन करना है। एक ही बार क्या आता है, बी आता है, आप यहाँ बी फिल करोगे, इसी तरह बाकी आपको 2, 3, 4, 5, 6 सब में आपको फिल करना है। फिर आपका इन सर्किल द वॉवेल्स, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया जैसे कि इसमें वॉवेल्स आपको फाइंड करना है, एक हम फाइंड कर देते हैं या इंसर्ट करेंगे तो ए हमारा वॉवेल इस पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंसर्ट का कॉन्सोनेंट्स, आपको कॉन्सोनेंट्स के बारे में क्लियर किया है तो आप एक हम इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप डिस्कस कर लेते हैं, जी इज द कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज टिक द करेक्ट पिक्चर। अब ए फॉर